मित्रों, मैं लोकायत का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने गोविंद पानसरे की पुण्यतिथि आज स्मृति में मुझे आपसे कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था, इतने अच्छे व्याख्यान हो रहे थे कि मेरे व्याख्यान की जरूरत क्या है। हम जैसे धवल केशियों को उम्मीद बहुत कम नजर आती है। गालिब का एक शेर था, संभलने दे मुझे ये ना उम्मीदी, क्या कयामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। यानी यार के ख्याल का दामन भी मुझसे छूटा जा रहा है, इस कदर ना उम्मीदी है। हमारे एक हिंदी के बड़े कवि थे जयशंकर प्रसाद, उन्होंने अपने एक महाकाव्य कामायनी में लिखा, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। और तीसरी एक मार्क्सवादी ब्रिटिश आलोचक हैं, टेरी ईगल्टन, उनकी एक नई किताब आई है जिसका शीर्षक है होप विदाउट ऑप्टिमिज्म, यानी आशावादिता के बिना आशा। तो एक तरह से मेरे व्याख्यान का जो ढांचा है, देखिए मैं कवि हूं, मैं विद्वान तो हूं नहीं और न होने की कोई आकांक्षा मैंने कभी पाली, क्योंकि हमारे यहाँ विद्वान लोग जैसे आचरण करते रहे हैं उससे उनमें से एक होने का विशेष उत्साह मुझे नहीं हुआ। पर कवियों की मुश्किल ये है कि वो तर्कों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और तर्क की जो सीधी सीधी राह होती है उससे भटकते हैं। भटकने वाले लोग ही कवि होते हैं, जिनको रास्ता पहले से ही पता हो वो न भटकते हैं और न अंततः कहीं पहुंचते हैं। तो बहरहाल ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मैं क्या करूंगा इसका ठीक ठीक मुझे पता नहीं है, थोड़ा थोड़े बहुत वो हैं, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं गोविंद पानसरे जी के गांधी पर एक निबंध से। वो मैंने तो अंग्रेजी में ही पढ़ा है इसलिए मैं Acts are different, mukhotas different, language different, but the goal is one. Gandhi was not murder for any personal motive. It was not a crime based on personal vendetta. Those who did not like his ideology, his views, murdered Gandhi. Those who killed him had their own ideology. They killed him for the success of their ideology. Forget about the fact that this is about Gandhiji. This can equally apply to Govind Pansare himself. The persons who killed him had no personal vendetta. They killed him because they did not like his views or his ideology. He continues. He ended his essay with these words: "The forces that hate other religions, faiths, and support the ideas of inequality are much stronger today than they were in Gandhi's time. We, therefore, need to work more.
we also need a broader unity and more intense struggle. अब हमारे समय में उम्मीद का एक स्थापत्य बनाया गया और हमारे प्रधानमंत्री उसका सबसे चमकता दमकता नाटकीय मुखौटा वो क्या कह रहा है, वो रूपाकार जो बना है ये स्थापत्य है। पहला, ये जो हमारा मध्य वर्ग है जिसमें हम सब हैं, मैं निम्न मध्य वर्ग से आता हूं, आप संभवतः उच्च मध्य वर्ग से आते होंगे, पर हैं तो ससरे हम मध्य वर्ग के ही। और इस मध्य वर्ग की जो इस समय दशा है वो सफलता दौलत और सुरक्षा की अंधी दौड़ में लगा हुआ है। सफल होने का ऐसा अद्भुत उत्साह इस मध्य वर्ग में पहले कभी नहीं था। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में और उनके मां बाप भी उतनी ही मशक्कत कर रहे हैं जितने बच्चे करते हैं। हमारे माता पिता को तो ये पता ही नहीं था कि जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसमें हम अव्वल आते हैं। जब मैं मैट्रिक का इम्तहान देने अपने फॉर्म पर दस्तखत कराने गया तो मेरे पिता ने कहा, अरे तुम अगले साल यूनिवर्सिटी में आ जाओगे, अचरज से कहा। और अब मैं अपने बेटे और बहू को देखता हूं कि सौभाग्य से मेरा पोता भी प्रतिभाशाली है, हर वाजपेयी प्रतिभाशाली नहीं होता। एक बार मैंने तब के प्रधानमंत्री से कहा था, उनके बगल में हम बैठे थे किसी आयोजन में, तब मैं कुलपति था, तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो पता ही होगा कि सारे वाजपेयी अहंकारी होते हैं। मेरी तरफ कुछ अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए देखा, फिर मैंने कहा नहीं, कुछ प्रतिभाशाली भी होते हैं। तो उन्होंने कहा क्या पहेली बुझा रहे हैं, कहीं पहेली नहीं है, आप प्रतिभाशाली मैं अहंकारी। तो पहेली क्या। बहरहाल, तो एक तो ये बना हुआ है कि किसी भी तरह से पैसा कमाओ, अच्छा पद पाओ, अच्छे इम्तहान में जाओ, वगैरह वगैरह। और ये मध्य वर्ग जो है इस समय धीरे धीरे भारत से अपने को अलग करता मध्य वर्ग है, ये अपने ही एक द्वीप में रहने लगा। हम लोग सिर्फ अब कॉलोनी में ही नहीं रहते, हम लोग अब द्वीप में रहते हैं, जिसका दूसरों से कोई ताल्लुक खास नहीं रह गया। पहले बड़े सपने होते थे, इसमें दुनिया को बदलने का सपना। इसके पहले कि इस सपने पर आऊं, मैं कहूं कि सफलता के बरक्स विफलता को देखिए। संसार उन लोगों ने बदला है जो ज्यादातर विफल हुए। मार्क्स विफल हुए, गांधी विफल हुए, हमारे यहां लोहिया जैसे लोग विफल हुए, ये विफलता की उजली छवि हैं, क्योंकि ये बड़े सपनों से आक्रांत थे। अब हमसे बहुत ही तुच्छे सपने देखते हैं। क्या सपना, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, एक कमरे का मकान है तो दो कमरे का मिल जाए, छोटी कार है तो बड़ी कार मिल जाए, वगैरह वगैरह, कोई सपने हैं? ये तो भयानक तुच्छापन है। लेकिन इस तुच्छेपन की हम इस कदर गिरफ्त में हैं कि हमने ये मानना शुरू कर दिया है कि बड़े सपनों की जरूरत नहीं। तीसरा, ये जो मध्य वर्ग है या इसका अधिकांश, हो सकता है कि आप लोग जो यहां आए हैं इस मध्यवर्गीय मानसिकता से मुक्त हो, हालांकि मुझे संदेह है कि ऐसे मुक्त आप होंगे, पर
इतनी तो आपको मोहलत देनी चाहिए। बने बने बनाए जो उत्तर हैं उनसे हम संतुष्ट हैं। एक जमाने में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी विचारों की हिंदी कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन लाल किले से जो स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देना पड़ता है वो तो हिंदी में ही देना पड़ता है। तो उन्होंने अपने पहले भाषण में 150 बार देखना क्रिया का उपयोग किया कि हम देख रहे हैं, हमको देखना है, हम देखेंगे वगैरह वगैरह। तो उस पर एक हिंदी दैनिक ने संपादकीय लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ करते नहीं हैं, देखते ही। तो हम लोग सबने इसको बहुत ही व्यंग अपने प्रधानमंत्री पर कहा, खैर बेचारे अगली बार उन्होंने कुछ और हिंदी की क्रियाएं सीख ली तो देखना थोड़ा कम हो गया। पर अब हर दिन देश का अधिकांश पढ़ा लिखा वर्ग मूर्खों की तरह सिर्फ देखता है, उस मूर्ख पेटिका के सामने बैठकर वही सब कुछ दिखा रहे हैं और हम सिर्फ निष्क्रिय, मुग्ध, मोहित। मुग्ध का एक अर्थ संस्कृत में मूर्ख भी होता है, तो आपको पता ही होगा, आप सब पुणे पुण्य नगरी है। अब विचार भी दूसरे ही करते हैं, हमारा काम विचार करना भी नहीं रह गया, बल्कि विचार करने वालों पर हम हंसते हैं कि ये क्या। हम लोगों ने जब अपने पुरस्कार वापस किए तो हम लोगों के विरुद्ध एक भयानक चरित्र हनन का अभियान हमारे मित्रों ने चलाया। मित्र ही होंगे क्योंकि हम मित्र और शत्रु में फर्क करना भी मुश्किल है। मैं तो असल में बेवकूफ बहुत बरसों रहा कि मित्र अलग बनाता था और शत्रु अलग बनाता था। मुझे पता ही नहीं था कि मित्र ही आगे जाकर शत्रु हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल, तो ये जो बने बनाए उत्तरों से और दूसरों के उत्तरों से संतुष्ट तृप्त मध्यवर्ग है, ये उम्मीद, इसने अपनी उम्मीद दूसरों को सौंप दी है। वो दूसरे तय करेंगे कि आपके लिए उम्मीद क्या होनी चाहिए। एक नई आत्मतुष्ट नैतिकता भी पैदा हुई है जो भंडा फोड़ में बहुत परम विश्वास करती है। मतलब हर दिन किसी का भंडा फोड़ हो जाता है, कोई ना कोई ससरा पकड़ा जाता है। तो जैसे मुझे ही जब कोई धार्मिक नेता पकड़ा जाता है, और किन आरोपों में, हत्या, बलात्कार, चोरी चकारी, ये बड़े आध्यात्मिक कर्म हैं, इनमें जब वो कोई आध्यात्मिक नेता पकड़ा जाता है तो मुझे आध्यात्मिक प्रसन्नता होती है। ये बहुत ही दुष्ट और नीच किस्म की प्रसन्नता है, मैं जानता हूं ये उचित नहीं है, लेकिन अब होती है तो मैं क्या करूं। हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि इस समय असल में राज बढ़ रहा है और समाज घट रहा है, जबकि एक लोकतंत्र में राज समाज की मर्यादा में रहता है, आदर्श लोकतंत्र में। अब ऐसा हो गया है कि दो ही भरोसे हैं, राज भरोसा और राम भरोसा। अब मैं तो, मुझे ब्राह्मण और वाजपेयी और अहंकारी इन सब होने के बावजूद आस्था का वरदान नहीं मिला, तो मुझे राम भरोसा तो है नहीं, अब बचा राज भरोसा। और वो राज जो है, अभी जैसा पंकज जी नीरज जी बता रहे थे, मुझे इसलिए पंकज आपका नाम क्यों याद आया, क्योंकि वो भी नीरज का ही, और अभी रामचरितमानस का एक अंग्रेजी अनुवाद किया है एक अमरीकी विद्वान ने, तो उसने ये बताया कि
कमल के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में 19 शब्दों का इस्तेमाल किया और अंग्रेजी में वो एक ही है लोटस। तो वो उनकी बड़ी मुश्किल ये थी कि उसका अनुवाद कैसे करें, क्योंकि वो राजीव लोचन है और कमल नयन है वगैरह वगैरह, कमल नयन है और चरण कमल और हर जगह कमल, तो तरह तरह से उन्होंने किया है। बहरहाल, तो जो आप अभी कह रहे थे कि बाजार असल में समाज को भी अपदस्थ कर रहा है, तो अब राज जो है वो समाज की मर्यादा में रहने के बजाय बाजार के चंगुल में है। बाजार ने नरेंद्र मोदी को पैदा किया है और बाजार उससे अपनी कीमत वसूल कर रहा है। अब विचित्र बात यह है कि हम इस बाजारूपन के बढ़ने को प्रसन्न होकर देख रहे हैं। हमारे यहां कितने मॉल हैं, क्या बढ़िया, पुणे में इतने मॉल हो गए। पहले तो बहुत ही अंधेरी अंधेरी सी दुकानें होती थी। मैं यहाँ आता था पहले, हमारे एक मित्र थे, वो मुझे ले गए पकड़ के, मैं नोएडा के पास रहता हूँ, कि साहब एक नया मॉल बना है, वो अद्भुत है। अब मैंने कहा यार मॉल वॉल क्या देखना, हमने बहुत मॉल देख लिए विदेश विदेश में, दुनिया भर घूमे हुए हैं, मॉल क्या देखेंगे। अरे बोले नहीं नहीं चलिए, तो अब ले गए पकड़ के। और वहाँ भयानक भीड़ थी, कोई 10,000 आदमी रहा होगा। अब हम पुराने रकम के आदमी हैं, अब हमने सोचा भाई अगर बाजार में आए हो तो कुछ खरीदना चाहिए, तो अब क्या खरीदें। तो मैं सोचा, मैं तो अब कुर्ते ही पहनता हूँ, मैं सोचा अपने बेटे के लिए कमीज खरीद लेता हूँ। तो मैं एक कमीज की दुकान में घुसा तो पूछा कि कमीज एक पसंद आई, बता 2,000 रुपए की। 2,000 रुपए की कमीज कहाँ खरीदो, 400-500 रुपए में कमीज अच्छी बनती है। तो मैं बाहर आ गया, तब मुझे ख्याल आया कि इस समय जो 10,000 लोग इस मॉल में हैं, उनमें से 9,900 लोग की ये काबिलियत नहीं होगी कि वो यहां कुछ खरीद सके, वो यहां मॉल देखने आए हैं और मॉल में वो कुछ खरीद नहीं सकते। वो एक प्याला कॉफी नहीं पी सकते क्योंकि उसका दाम भी 125 कुछ होगा इस तरह का। तो हो क्या रहा है, ये जो बाजार है ये एक नए किस्म का लालच पैदा करेगा कि अशोक वाजपेयी के पास अगर 2,000 रुपए की कमीज है तो मेरे पास क्यों नहीं, और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं चोरी चकारी हत्या वगैरह जैसे मिलेगा वैसे करूंगा। तो आसान ये दिलचस्प है कि जिसे आप भूमंडलीकरण कहते हैं, वसन में भूमंडीकरण है, वो सारे संसार को मंडी बनाने का। उस भूमंडीकरण में बाजार जो है वो नए किस्म की विषमताएं, नए किस्म के अपराध पैदा कर रहा है। और हमारी ये भी उम्मीद है कि भाई ये तो बड़ा उजला बढ़िया लगता है चलना उन मॉल्स में, उसमें बड़े एस्केलेटर्स वगैरह होते हैं, तो हम जो विनायक राम या शिवप्रसाद या जो भी होंगे, अब तो ऐसे नाम नहीं होते, अच्छे अच्छे नाम होते आजकल, तो नीरज वगैरह, तो वो जब चल रहे होते तो उनको लगता हा हा हम कैसे बढ़िया चमकते भारत में पहुंच गए। तो उम्मीद का ये भी एक नमूना है। अब ज्ञानोत्पादन जो है उससे हमारी विरक्ति, हम ज्ञान पैदा नहीं करते अपने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में, हम ज्ञान दूसरों का विकसित किया हुआ ज्ञान गूगल उगल पर प्राप्त कर लेते हैं। पहले यह अवधारणा थी कि ज्ञान कुछ तो दूसरों से मिलता है, बाकी आपको खुद रचना पड़ता है। लेकिन अब हम आप देखें कि पिछले इतने वर्षों में हमारा हमारे किसी विश्वविद्यालय का नाम संसार के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में आता ही नहीं है। ये जो बड़े चमकते दमकते IIT वगैरह हैं, इनकी भी हालत कम से कम उस सूची में बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ, आजादी के पहले हम नोबेल पुरस्कार विजेता
वैज्ञानिक पैदा कर सकते थे, जबकि उनके पास साधन कम थे, उनके पास जो लेबोरेटरीज वगैरह थी उसकी सुविधाएं बहुत अच्छी न रही होंगी जो रमन के पास या जगदीश चंद्र बसु के पास, लेकिन वो इतना बड़ा काम करते थे, इतना ज्ञान उत्पादित करते थे। और हम जो हैं, तो अब हमको ज्ञान इंटरनेट पे चूंकि मिल गया है, क्योंकि दूसरों का ज्ञान है, हमारा नहीं है, एक दूसरा इंटरनेट पे जो ज्ञान है वो तो डाला जाता है, तो इंटरनेट थोड़ी ज्ञान का उत्पादक है, वो तो ज्ञान आपको सुलभ कराता है, जैसे सुलभ शौचालय भी होता है। अब अगर ज्ञान की ये हालत होगी, फिर हमने इतने वर्षों से अपनी परंपरा की अवहेलना की, हमने उस परंपरा को जानने समझने अवगाहने की संस्थागत कोशिश भी नहीं की, बहुत कम की। पुणे की एक जमाने में कीर्ति होती थी कि परंपरा इतिहास संस्कृति का सबसे बड़ा शोध केंद्र पुणे, क्योंकि यहां महामहोपाध्याय और दांडेकर और क्या क्या नाम थे उनके, अद्भुत अद्भुत वो सब थे, जो एक टोपी एक छाता एक धोती और एक छोटे से कमरे में रह के एनसाइक्लोपीडिया रचते थे। यहां महाभारत और किस पर कितना शोध और क्या हुआ, उसका कोई असर पुणे पर बाकी नहीं रहा। यहां के जो अब हालत है, चूंकि हमने परंपरा को उनके मत्थे छोड़ दिया है, अब हालत यह है कि हमको परंपरा का ज्ञान ये ससरे नकली बाबा तरह तरह के आसाराम और जो को पकड़े गए, एक हमारा शंकराचार्य था जिसको हत्या के आरोप में काफी दिनों जेल में रहना पड़ा सौभाग्य से, तो इन पर हमने छोड़ दिया, जबकि परंपरा को समझने की कोशिश हमको करनी थी। हमने एक शून्य पैदा किया और उस शून्य में लोग घुस गए जो घुस गए। एक तो चीजों का लालच बहुत बढ़ गया है, भयानक लालच। हमारे दंपति हमारे मित्र हैं, तो वो सबके यहां खाना खाने जाते हैं, अपने यहां किसी को नहीं बुलाते। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। एक बार दैव दुर्विपाक से उन्होंने मुझे बुलाया, तो हम लोग गए तो उनके ड्राइंग रूम में। अब हम लोगों के घर जो हैं वो अलग तो होते नहीं, मैं जिस शहर में रहता था मेरे बगल में एक दवे साहब रहते थे, इधर एक ठाकुर साहब थे, एक बख्शी साहब थे, एक अनिल मैत्रा थे, एक कोई क्या उनका नाम था कोई कर थे, वो थे। इन हर इस हर घर की गंध अलग थी, उनके बैठक खाने का ढंग भी अलग था। अब सब एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, तो मैंने देखा कि उनके यहां 6 डिनर सेट लगे हुए हैं। मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि से देखा और दुष्ट दृष्टि से उनको गिन लिया। मैं सोचने लगा कि जो लोग किसी को साल में अपने घर खाना खाने नहीं बुलाते और जो अकेले रहते हैं दोनों, उनके यहां 6 डिनर सेट क्या कर रहे हैं। फिर मेरी दुष्ट आदमी की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होती है, तो वो मैंने देखा कि उनके यहां 4-5 किस्म की मिक्सी नाम का एक यंत्र है जो बहुत आवाज करता है, वो रखी हुई है। तो मैंने कहा कि आपको मिक्सियां कलेक्ट करने का शौक है क्या? तो बोले क्या मतलब? हमने कुछ लोग गणेश की मूर्ति, कुछ बुद्ध की मूर्ति, कुछ इस तरह के, हमारे एक मित्र हैं वो पंखे उन्होंने 1000 से अधिक जमा कर रखे हैं। तो बहरहाल हमने सोचा आप नहीं 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 वो तो अब भटनागर जी के यहाँ गए थे तो देखा कि एक नई मिक्सी है वो कम आवाज पैदा करती था, तो पहले की 4-5 रखी हुई, अब 6 और आ गई। तो ये जो चीजों का लालच है ये एक नई मानसिकता पैदा कर रहा है, हमारे घर चीजों के गोदाम बने हुए, कोई खाली जगह बची नहीं है।
क्योंकि हर जगह हमने कुछ ना कुछ डाल रखा है। तो ये जो नई गोदामियत है, चीजें इतनी हैं कि विचार के लिए जगह कहाँ है, विचार कहाँ से आएगा, उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि अब तो विचार तो वहां से आ रहा है और बाकी सब चीजों की जगह चीजें हैं, तो अब विचार बेचारा कहाँ आके बैठेगा। तेज गति है, हमारा समय बहुत ज्यादा तेज है, हर आदमी भाग रहा है। अभी पूछो तुम कहां जा रहे हो, इतनी हड़बड़ी क्या है। अधिकांश दौड़कर या भागकर या जिस भी साधन से जल्दी पहुंचकर कोई बड़ा भारी आध्यात्मिक या बौद्धिक काम नहीं करने वाले, वो मूर्ख पेटिका के सामने बैठ जाएंगे और हो सकता है कि भोजन इत्यादि भी वहीं करें उसको देखते हुए। तो ये जो एक गति है, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों लोग इतने अधीर हैं, क्यों भागे जा रहे हैं, हर एक अपनी घड़ी देखता रहता है, आप भी देखना संभवतः शुरू करेंगे। हर एक को जल्दी है और जल्दी पहुंच के करोगे क्या मियां, पहुंच तो जाओगे। तो ये जो एक तेज गति हर जगह पहुंचने की, इसने भी बहुत सारी, एक तरफ हमारे पास ये बहुत ही अभद्र यंत्र है ना, ये मोबाइल, चल बोला चल बोला, हा? वो आप लेकिन आप मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और आपके पास किसी और का फोन आ गया तो आप चले गए, मैं बेवकूफ की तरह बैठा हूं। ये अभद्र आचरण है, लेकिन हम तो लेकिन लोग उस पर लगातार बात कर रहे हैं। कभी कभी मैं देखता हूं मेरी बहू भी किसी से पूछ रही है कि ये भरे करेले में अजवाइन डालते हैं कि नहीं डालते। तो एक तरफ एक संवाद रति पैदा हो गई। मेरा अपना ऐसा मोटा मोटा अंदाज है कि संसार में हर दिन जितनी आवाजें पैदा होती हैं पूरे संसार में, उसका करीब एक तिहाई भारत का योगदान होता है। क्योंकि हम लोग तो जरूरत से ज्यादा बात करने वाले लोग हैं, मैं ही उसका एक उदाहरण हूं। तो बात किए जा रहे हैं फोन पर इधर उधर, और कोई धीमे से तो बात करता नहीं। हम सब लोग उच्च स्वर के गायक हैं, तो सारा शोरगुल फलाना दिखा। अभी मैं नीरज जी के घर रुका हूं तो उनके यहां पड़ोस पड़ोस की बहुत आवाजें आती रहती हैं, कोई कुछ किसी को पुकार रहा है, धीमे से तो कोई पुकारता ही नहीं। अगर आप, मैं जहां रहता हूं एक हाउसिंग सोसाइटी में, और सुबह 5:30 बजे घूमने निकलता, तब वहां कोई नहीं होता, कोई बूढ़ा इतनी जल्दी उठता ही नहीं, मैं ही एक हूं। लेकिन आवाजें आना शुरू होती, एक तरफ कोई मस्जिद है उससे एक अजान आती है, और एक तरफ दो मंदिर है तो उनसे आती है, दोनों बेसुरे। और सुबह सुबह आप बेसुर, मैं संगीत का थोड़ा शैदाई हूं, ये संगीत पसंद है तो मेरा बहुत ही मन खट्टा होता है। मैं सोचता हूँ किसी दिन जाके उन दोनों को रोकूं, भैया मेरा तो ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, पर अगर कोई होगा तो कम से कम बेसुरी प्रार्थना तो उसको पसंद नहीं आती होगी, चाहे वो इतना तो सुर का ज्ञान होगा जो इसने सचिन जितनी दुनिया बनाई है, तो उसको ये तो होना चाहिए थोड़ा। फिर हम लोग अपनी मातृभाषाओं से भी विरत होते लोग हैं, एक नकली किस्म की और अब तो ज्यादा अमरीकी अंग्रेजी समझ के हम बहुत प्रसन्न हैं। छोटे छोटे बच्चों से, 2 साल के बच्चे से युवा माताएं अंग्रेजी में बात करती, मातृभाषा की कोई जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि अब मातृभाषा जानने वाली माताएं भी शायद नहीं बचेंगी। ये अभी ऑलरेडी जिसको कह सकते हैं दादी भाषाएं तो हो ही गई हैं, और धीरे धीरे और परदादी भाषाएं हो जाएंगी। अनेक मध्य वर्गों में ये याद किया जाएगा कि हमारे परनाना जो थे वो मराठी बोलते थे, और हम तो, हमारा काम तो अंग्रेजी से चल जाता है। अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, महान भाषा है, मैंने एमए अपना अंग्रेजी में ही किया था,
और मैं इतना फटीचर छात्र नहीं था जितना आपको लग रहा हूं तो लेकिन मैंने लिखना हिंदी में तय किया था, बल्कि ये मुझे विकल्प ही नहीं सूझा था। मैंने अंग्रेजी में बाद में रजा पर एक पुस्तक लिखी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर रघु राय के चित्रों के साथ 13 संगीतकारों पर निबंध लिखे, वो जरूर अंग्रेजी में है। लेकिन मुझे अपने अध्यापक की बात याद थी, उसने कहा था कि जब अंग्रेजी में बोलो तो अंग्रेजी में बोलो, जब हिंदी में बोलो तो हिंदी में बोलो, ये दोनों में घालमेल नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल, तो अब हम अंग्रेजी के कल्पित स्वर्ग में मगन है। हे भगवान, मैं कितनी देर बोल रहा हूं? हाँ ठीक है, अभी तो अब पड़ोस हमने ध्वस्त कर दिया, हम पड़ोस में नहीं रहते, हम कॉलोनी में रहते हैं। और एक दूसरे का हमको अता पता भी नहीं, कौन हमारे अगल बगल रहता है, इसका कोई कभी कभी कोई गमी हो जाए या कुछ बर्थडे पार्टी हो या किसी के यहाँ शादी वादी हो तो भले हम मिल लें, बाकी हम कोई मिलते नहीं। पड़ोस को ध्वस्त किया सबसे पहली बार गुजरात के दंगों ने, उसमें पड़ोसियों ने खबर की और इसी चलबोला नामक अभद्र यंत्र का उपयोग करके की कि वो आदमी जो है भले उसकी बेकरी का नाम प्रकाश बेकरी है लेकिन उसका मालिक गयासुद्दीन है। पड़ोस को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ गुजरात के दंगों से, बहुत ही। अब हालत ये है कि हम पड़ोस में रहते ही नहीं, पड़ोस की अवधारणा ही गायब हो गई। उम्मीद के का ये स्थापत्य है, इसमें कितनी उम्मीद है, कितनी मूर्खता है, ये आप पर सोचता। अब नाउम्मीदी के रूपाकार क्या है? पहला तो यही कि हमारे सारे धर्म, इसमें हमारे बड़े धर्म हिंदू और इस्लाम आदि शामिल हैं, ये सब धर्म लोकतंत्र से पिछड़ रहे हैं। जब निर्भया कांड हुआ तो मैं एक साप्ताहिक स्तंभ लिखता हूं जनसत्ता नाम के अखबार में, अब उन्होंने बंद कर दिया, मैं ज्यादा ही वाचाल हो गया था। उन्होंने कहा भाई अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आप कुछ ज्यादा राजनीति करने लगे हैं। हमने कहा ससरी, राजनीति हर चीज में हस्तक्षेप करे, वो धर्म में भी हस्तक्षेप करे, हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसमें भी हस्तक्षेप करे, हम क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे इसमें भी हस्तक्षेप करे, तो हमको ये हक नहीं है कि कभी कभी हम भी राजनीति में हस्तक्षेप करें? बहरहाल, तो धर्म जो है, तो उस समय निर्भया कांड पर मैंने एक वो लिखी, टिप्पणी लिखी कि निर्भया कांड ने स्त्री पुरुष की समकक्षता का मुद्दा फिर से हमारे सामने पेश किया है और अब सब धर्मों को खुले आम इस पर अपनी राय देना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने स्त्री पुरुष की समकक्षता को एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में माना है। अगर आपकी परंपरा में, किसी ग्रंथ में या किसी व्याख्या में स्त्री पुरुष की समानता मान्य नहीं है या कि उसके विरुद्ध कुछ है तो उसे दूर करिए। कोई धर्म 2000 साल पहले जन्म लिया हो उसने तो वही विजड़ित रहेगा, बाकी सब चीजें बदलती रहेंगी तो धर्म क्यों नहीं बदलेंगे? और धर्म दरअसल बदले हैं, ऐसा नहीं है कि वो बदले नहीं है, लेकिन जब भी उदाहरण देंगे तो वेद में ये कहा गया है, फलाना कुरान में ये कहा गया है। अरे कहा गया है तो गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि वेद में छुआछूत का औचित्य है तो मैं वेदों को खारिज कर दूंगा, लेकिन छुआछूत को नहीं मानूंगा। तो एक इतने बड़े हिंदू में ये साहस था कि वो ये खुलेआम कह सके। उनसे किसी ने पूछा कि जब इतने सारे धर्म हैं और सभी ईश्वर को पाने का मार्ग दिखाते हैं तो इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता, ईश्वर तो एक ही है,
तो गांधी जी ने उसका जवाब दिया कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रू बट दे आर ऑल इम्परफेक्ट। 1930-31 में इस अधनंगे फकीर में यह हिम्मत थी कि वो ये कह सके कि सारे धर्म सच्चे हैं पर सब अपर्याप्त हैं, इम्परफेक्ट हैं। लेकिन हम ये करने को तैयार नहीं है, धर्म पिछड़ रहे हैं। धर्मों का इस समय जो भूमिका है वो बेहद हिंसक, आक्रामक और मनुष्य विरोधी है। वो अपनी परंपरा का भी एक तरह से विरोध कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्लाम के लिए खतरा नहीं है, वो हिंदू धर्म के लिए खतरा है, क्योंकि वो हिंदू धर्म की एक ऐसी व्याख्या कर रहा है जो हिंदू चिंतन परंपरा से, धर्म परंपरा से वैध नहीं सिद्ध हो सकती। मैं उदाहरण दे रहा था हमारी परंपरा से कि हम अपनी परंपरा से क्या ले सकते, पर मैं उस पर बाद में आऊंगा। लोकतंत्र की तीन बुनियादी मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समता और न्याय। अगर कोई धर्म या कोई और भी अनुशासन इसको नहीं मानता या इससे अलग होता है तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और चूंकि आजकल का मुहावरा देशद्रोह है, वो देशद्रोह कर रहा है, क्योंकि देश बना ही इन मूल्यों से है। राष्ट्र के जो बुनियादी मूल्य हैं वो यही है। दूसरी तरफ मीडिया ने सबसे बदनाम खलनायकों को नायक बना रखा है। हर दिन मीडिया में जो छवियां, नायक छवियां हैं, वो किन की हैं? राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी और अपराधी, हाँ, यही चार। अगर कोई लेखक या कलाकार दुर्भाग्य से मर वगैरह जाए तो हो सकता है कि उसकी खबर भी छप जाए कि वो फलाने मर गए। हालांकि हमारे समय के बहुत बड़े चित्रकार थे वासुदेव गायतोंडे, उनकी जब मृत्यु हुई तो दिल्ली के किसी अखबार में उनकी मृत्यु की खबर नहीं थी। तो ताकते राष्ट्रीय अखबार, तो ये चार छवियां हैं, सब खलनायक हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और हम मुदितमन उनको देखते हैं। मैं टेलीविजन नहीं देखता हूं, हालांकि कभी कभी उस पर आ जाता हूं लेकिन देखता नहीं। और मुझे वो फोन करके वो बताती हैं बेचारी लड़कियां कि सर वो जो आपका बाइट लिया था या आपका जो इंटरव्यू था वो अभी इतने बजे फलाने उस पर आ रहा है। तो मैं कहता हूं बड़ी भी चिंता मत करो, मैं तो टेलीविजन देखता ही नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ झूठ ही है और सब कुछ बुरी खबर ही है तो हम कल सुबह देख लेंगे अखबार पे, इसमें क्यों अपनी शाम बर्बाद करें। शाम को अच्छी संगीत सुनेंगे, किताब पढ़ेंगे, मित्रों के साथ गपशप लगाएंगे, यारबाशी करेंगे, काहे को हम खबर सुने ये खराब। और अगर आप अखबार पढ़ें तो खैर पुणे में शायद इसका कुछ अपवाद हो, हालांकि मुझे संदेह है, लेकिन हो शायद कि कोई साहित्य और कलाओं की कोई जगह ही नहीं बची, बुद्धि की भी कोई जगह नहीं बची। अब जो स्तंभकार हैं वही आपके विचारक बन गए हैं। टेलीविजन एंकर जिस देश में विचारक की पदवी पा जाए उस देश को अपनी विचार परंपरा पर पुनर्विचार करना चाहिए। उच्च शिक्षा में जो ज्ञान की दरिद्रता है उस पर टिप्पणी करना भी बेकार है, क्योंकि वो दरिद्रता इतनी व्यापक है, उसमें कहीं कहीं कोई प्रतिभाशाली कुछ कर गुजरता है तो उस पर सारी व्यवस्था उसके खिलाफ हो जाती है। कोई एक लड़का है जिसने कोई बहुत ही कम खर्चीला कोई क्या ये चलबोला बना दिया है, कुछ किया है, उसको लेकर उसको पुलिस पहुंच गई
पुलिस पहुंच गई उसके घर कि तुमने कैसे कर दिया और क्या कर दिया ये वगैरह वगैरह। अब ऐसी वृत्तियां पैदा हो गई हैं जो प्रश्नवाचकता, असहमति, संवाद विवाद को रोकने, थामने, फेंकने की मनोवृत्तियां हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आपने देखा, हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ, उसके पहले आईआईटी चेन्नई में हुआ और कई जगह जो हो रहा है। ये उस देश में जिसमें संदेह की शुरुआत ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है जिसमें ये कहा, ऋषि जो है वो वर्णन कर रहा है और वो कहता है कि जब न अंधेरा था न उजाला, न उपस्थिति थी न अनुपस्थिति, न ये था न वो था, तब क्या था। प्रश्न पूछेंगे तो आप कहेंगे जब ईश्वर था उसके पहले क्या था, तो ये पूछा उसने सवाल, वेद में पूछा है, कोई बाहर नहीं पूछा। फिर कहता है हो सकता है उसे पता हो जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, विधाता को पता हो। यहां तक तो ठीक है, पर फिर भारतीय बुद्धि की संदेह वृत्ति प्रकट होती है। कहता है हो सकता है उसे भी पता ना हो। ये वेद में कहा गया है। वेद आप जानते हैं कि 1000 वर्ष तक तो लिखे ही नहीं गए, क्योंकि वो अपौरुषेय माने जाते थे और वो सिर्फ मौखिक परंपरा में जीवित थे। वेद की कई व्याख्याएं एक यास्क नाम के ऋषि थे, उन्होंने निरुक्त नाम से ग्रंथ संकलित किया जिसमें वेद की जितनी व्याख्याएं थी उनके समय में उनको संकलित किया। उनमें से एक व्याख्या एक कौंत्य ऋषि की है। कौंत्य ऋषि ने कहा कि अगर वेदों में जो कुछ कहा गया है वो किसी दूसरी भाषा में नहीं कहा जा सकता तो वेद निरर्थक है। ये तो मतलब पाप, वेद विरुद्ध वाणी, वेद विरुद्ध व्याख्या। एक ऋषि कह रहा है कि वो निरर्थक है अगर उनका अनुवाद दूसरी भाषा में नहीं हो सकता। लेकिन निरुक्त में यास्क ने इस वेद की व्याख्या को शामिल किया है। हमारे ज्ञान की और प्रश्नवाचकता की परंपरा बहुत पुरानी है और हमने मूर्खतावश, अज्ञानवश इसको उनको सौंप दिया। अभी मैं जब ये हम लोगों ने पुरस्कार वापस किए तो मैंने ये कहा था कि हमको उनके साथ खुले शास्त्रार्थ में शामिल होना चाहिए। दो उदाहरण मैंने परंपरा से दिए। महाभारत में शरशैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह और दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों जाके पूछते हैं कि राजधर्म क्या है। तो भीष्म पितामह जो उत्तर देते हैं उनमें से दो हमारे काम के हैं। वो कहते हैं कि राजा का धर्म है, का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में रहने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों का आदर करे, और दूसरा उसी में और लोभी और मूर्ख लोगों को राजकाज में शामिल न करे। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप अपनी सूची बना सकते हैं, मैं कोई सूची आप पर लागू नहीं करता। दूसरा भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे प्रातः पूज्य ग्रंथ महाभारत में कह रहे हैं, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं जोड़ दिया। यही नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास राम से कहलवाते हैं। जब वो अयोध्या में सिंहासन पर बैठ गए, राज्य उनका स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया, तो राम नागरिकों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भाइयों, अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं अनीति कुछ कर रहा हूं तो मुझको बिना भय के बरजना,
बिना डर के मुझे रोकना, ये राम कह रहे हैं। आपके बड़े नायक हैं, वो कह रहे हैं। हमने परंपरा से ये सब लेकर उनका सामना करने की शक्ति खो दी, क्योंकि वो कोई भी व्याख्या कर सकते हैं परंपरा की, क्योंकि हमने ये इसका अवगाहन करना छोड़ दिया। फिर एक नई बात ये पैदा हुई है कि अब राज्य कई बार स्वयं प्रतिबंध लगाने के लिए उत्साहित नहीं होता, लेकिन एक आहत भावनाओं का समूह पैदा होता है। ये भी बड़ा अच्छा खेल है कि किसकी भावनाएं आहत हुई, और 10 लोग 15 लोग मिलके उनकी भावनाएं आहत हो गई, और फिर सरकार जो है वो आहत भावनाओं का बड़ा ख्याल रखती है। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हों, इससे उसको कोई चिंता नहीं, पर 20 दुम छल्ले आके कहें कि हमारे भावनाएं आहत हो गई हैं, तो एक प्रतिबंध की जहनियत पैदा हो गई। खान पीन का प्रतिबंध है, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत कहो ये मत दिखो ये मत, तो ये अजब जहनियत है कि हर तरह अभिव्यक्ति पर, खान पान पर, पुस्तकों पर, विचारों पर, सबको। फिर सार्वजनिक पाखंड हमारे समय में बहुत ही चमकीला, भड़कीला और बहुत मान्य हो गया। कहो कुछ करो कुछ, या कहो कुछ उस कहने के बरखिलाफ अगर कोई कुछ करता है तो उसके बारे में चुप रहो, ये एक नया पाखंड है। थोड़ी बहुत दूरी तो कहने और करने में हमेशा ही रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय जो सत्तारूढ़ शक्तियां हैं उन्होंने इस पाखंड का बहुत अभ्यास कर लिया है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रधानमंत्री ने कभी सहिष्णुता के पक्ष में या बहुलता के पक्ष में कुछ भारत में कहा हो, वो जाके विदेश में ही कहते, यहां नहीं कहते। उन्होंने जब वर्मूला की आत्महत्या पर शोक प्रकट किया तो क्या कहा, ये नहीं कहा कि दलित छात्र की को आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा तो हमको अपनी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं कहा। कहा कि एक माँ का जो दर्द है अपने बेटे को गंवाने का, वो मेरा भी दर्द है। ये छिछली भावुकता, ये बेईमान भावुकता, क्योंकि वो तो आपकी ही प्रिय और अपर्याप्त रूप से शिक्षित शिक्षा मंत्री ने ही उसके लिए उकसाया था भाई। फिर जो हिंसा के रूप बढ़ रहे हैं उनके शिकार कौन लोग हैं, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक सिर्फ धार्मिक नहीं, वैचारिक अल्पसंख्यक। अगर हम आपके विचार से सहमत नहीं हैं, और आपका विचार तो सत्तारूढ़ है, हमारा विचार बेचारा पांच ही लोग मानने वाले हैं, कोई विचार इसलिए अवैध नहीं हो जाता कि उसको मानने वाले पांच लोग हैं। अगर आप महान विचारों की का इतिहास देखें तो जब वो पहले पहल विचार पैदा हुआ था उसको मानने वाले पांच भी नहीं होते थे। ना मार्क्स के विचार को मानने वाले पांच लोग उसके समय में थे, ना गांधी के और जिनको आप चाहें। फिर अभी इन्होंने उसका व्याख्या की, हजारों लाखों करोड़ के सार्वजनिक धन की लूट मची हुई है। बैंकों ने खराब ऋण दिए, ये कोई हमको आपको नहीं दिए, ये बड़े बड़े नामी घरानों को दिए। और आप
इतनी नाउमीदी का स्थापत्य आपके सामने रखने के बाद अब मेरी हिम्मत थोड़ी डगमगा रही है कि मैं आपसे कुछ उम्मीद की रोशन दरारों की ओर भी इशारा करूं। अव्वल तो ये है, हमारे बहुत अच्छे राजनेता थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, निराशा के कर्तव्य। जब इतनी निराशा हो तब भी कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका पालन होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि निराशा का सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही है कि वो आशा को भी जीवित रखे। ठीक है, हम हारे हुए लोग हो सकते हैं पर हम थके हुए लोग नहीं होंगे, क्योंकि उम्मीद करना हर हालत में उम्मीद के बरक्स उम्मीद, ना उम्मीदी के बरक्स उम्मीद करना मनुष्य का सामान्य स्वभाव है। हम उम्मीद छोड़ नहीं सकते क्योंकि उम्मीद हमारे कब्जे में नहीं है, वो करोड़ों लोगों की उम्मीद है और उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, इन द फेस ऑफ, यानी भारतीय जो बहुलता है, देखिए हमारे यहां तो कुछ भी एक वचन नहीं, उस असरा वर्ण भी एक वचन नहीं रह गया। पहले वेद में ब्रह्म की कल्पना, वो फिर अकेला था बेचारा, उगता था, उसने अपने को दो में विभाजित कर लिया, वो प्रकृति और पुरुष हो गया, फिर त्रिमूर्ति हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ देवता तो अकेले हिंदुओं में। नाउ हमारी जनसंख्या उस समय 33 करोड़ न रही होगी, तो हमारे यहां यानी हमारी देव संख्या हमारी जनसंख्या से अधिक थी। और इसका अर्थ क्या था? अर्थ ये था कि आपके पास एक देवता है, अब वो काम नहीं करता, यानी आपको पदोन्नति नहीं दिलवाता, आपके शत्रु पर आघात नहीं करता वगैरह वगैरह, आपके मालिक को की एक्सीडेंट नहीं कराता, तो ऐसे देवता का क्या करना? तो आप देवताओं के गोदाम में जाके उसको बेचारे को पिछवाड़े रखो, एक नया देवता ले आओ। तो ये जो एक एक वचन होना था, ये हमारे भारतीय संस्कृति में कभी रहा ही नहीं। जो भी एक वचन है वो देर सवेर बहुवचन होगा, वो चाहे धर्म हो, चाहे भाषाएं हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे खान पान हो, चाहे पहरावा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहां शास्त्रीय संगीत भी दो हैं और शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। आप सोचिए कि वहां भी कहीं भी भाषाएं, अभी हमारे मित्र गणेश देवी ने एक लोक सर्वेक्षण किया और बताया कि 700 भाषाएं और बोलियां हमारे देश में हैं। ऐसी बहुलता को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुलता कोई परसों नरसों की नहीं है। आप देखें कि मैं तो इस बात से भी उत्साहित होता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना हुए 90 वर्ष हो गए, 90 वर्ष से वो इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं और आज तक सफल नहीं हुए। और जैसे इम्कानात हैं उनको अगर ध्यान में रखें तो ससरे कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए कि हमारी बहुलता की परंपरा बहुत ज्यादा जमी हुई परंपरा है, उसको इतनी आसानी से, इसलिए उसको जो उसकी जो वो लगती है उस पर जो आक्रमण होते हैं उनसे हम सब लोग दुखी होते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं इत्यादि इत्यादि, पर हमें ये आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जैसे जर्मन देश में नाथसियों की सफलता के बाद भी, उनके आतंक के बाद भी, आखिर जर्मन परंपरा नष्ट नहीं हुई, प्रश्नवाचकता की परंपरा। लेकिन हमारी परंपरा भक्ति की परंपरा भर नहीं है, वो प्रश्नवाचक परंपरा है।
हमने प्रश्न पूछने की इजाजत दी है, देवताओं का मजाक बनाया है, भक्त कवियों ने बनाया, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, जिसको महेश दिनेश सुरेश इत्यादि कहके मुनि गाते हैं, उसी कृष्ण को ये अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाती हैं। ये मजाक बना रहे कृष्ण का, तो किसी ने आपत्ति तो नहीं की। पर 15वीं-16वीं शताब्दी में कबीर बनारस में खुलेआम कह रहे हैं कि पांडे तुम निपुण कसाई, कि पांडे जी जो हमारे कोई पूर्वज होंगे, वाजपेयियों के पूर्वज भी पांडे हो सकते हैं, तो कोई ब्राह्मण तो होंगे ही बाहर, कि पांडे तुम निपुण कसाई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चीटी के पग नेवर बाजे तो सेरा साहिब सुनता है, ऊंची चढ़ के बांग लगाए क्या तेरा साहिब बहरा है। तो मौलवियों की निंदा और पंडितों की निंदा, धर्म ग्रंथों की, कि तुमको धर्म ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है, मुखों कहां ढूंढे तू बंदे मैं तो तेरे पास में, तू मुझे यहां वहां मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूं। ये जो प्रश्नवाचकता थी, अगर कबीर आज जीवित होते तो 200 अदालतों में उनके खिलाफ मामले चल रहे होते, और उनको हमारी अदालतें जिनमें सर्वोच्च अदालत भी शामिल है जमानत देने से हिचकिचाती अगर इनकार न करती। तो हम कहां पहुंच गए, हमने अपनी परंपरा का कैसा सत्यानाश कर दिया। अब आप देखें कि लेकिन हमको इस पर भी विचार करना चाहिए कि किसी तरह की कट्टरता से बचने का उपाय क्या है, कि हम संवाद के लिए खुले हैं, हम उनसे भी संवाद करें जिनसे हम असहमत हैं। अब वो गोली मार दें आपको, ये और बात है, वो मारते हैं कभी कभी, आखिर 3 लोगों को उन्होंने मारा ही है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ संघ परिवार की कट्टरता ही निंदनीय नहीं है, हर तरह की कट्टरता निंदनीय है, और वो दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक संगठनों में भी है। सिर्फ उनको दोष देने से आपको एक शत्रु मिल जाता है जिस पर आप अपने भाले फेंक रहे हैं, ये सही नहीं है, आपके भीतर भी शत्रु बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस समय जो एक संयुक्त मोर्चा जैसा मुझे बनता दिखाई देता है, मैं कुछ राजनीति का छात्र विद्यार्थी इत्यादि नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सांप्रदायिकता विरोध, दलित विरोध, धार्मिक विद्वेष, ये सब के विरुद्ध एक व्यापक जन मोर्चा बनने की शुरुआत हो रही, और छात्र उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको याद होगा कि छात्रों ने ही डिगॉल की सरकार के विरुद्ध 1968 में एक बड़ा आंदोलन किया था, छात्रों ने ही गुजरात में आंदोलन करके जयप्रकाश नारायण को न्योता दिया था, और फिर जो हुआ वो आप जानते हैं। तो ये जो युवा शक्ति है जो बहुत मोहित रही है नरेंद्र मोदी इत्यादि की नाटकीयता से और नौटंकी से, उसको अब ये समझ में आना शायद होगा शुरू, और वो जुटेगी। अभी ये जो रोहित के मामले में हुआ, अब जो JNU के मामले में हो रहा है, उससे जो एक एक वैकल्पिक राजनीतिक चेतना, मुझे उसमें उम्मीद की एक रोशन दरार नजर आती है। मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हैं और बुद्धि तो और कमजोर है, लेकिन बहरहाल उम्मीद तो करना चाहिए। एक हम लोगों ने जब अभियान
अव्वल तो किसी को ये अंदाज ही नहीं था कि ये अभियान होगा, हम में से किसी ने किसी से बात नहीं की थी, अपने आप ही मतलब कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, तो ऐसे लोग जुड़ते गए तो संख्या पहुंच गई 50। फिर पहली बार ऐसा हुआ कि लेखकों की आवाज इस देश में सुनी गई। हम जब राष्ट्रपति से मिले तो इसके पहले कि हम अपना, मैं तो बहुत बातूनी आदमी हूं तो राष्ट्रपति को भी क्यों बख्शता, उनसे भी बोलने ही वाला था, तो मैंने उनसे इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, उन्होंने कहा रिटर्निंग ऑफ द अवार्ड्स इज ऑल्सो ए वे ऑफ प्रोटेस्ट, एविडेंटली इट हैज बीन स्पॉन्टेनियस एंड यू हैव सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द इशू ऑन द नेशनल एजेंडा। सही है कि इसके पहले साहित्यिक सांस्कृतिक हलकों में तो मुझे जाना जाता था, ये जो व्यापक नागरिक हलके हैं इनमें हम कुछ नहीं थे, और अब क्योंकि कुछ त्याग इत्यादि कर दिया है तो मैं सोचा कि जितना है उसको जाने के पहले सबको वापस कर देना चाहिए। और मेरा सौभाग्य ये है कि हमारे दुश्मन ऐसा अवसर लगातार देते रहे, ठीक है। लेकिन पहली बार लेखकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के पहल पर एक मुद्दे पर बहस होना शुरू हुई, यहां तक के संसद में भी वो बहस हुई, अच्छी बुरी जैसी हुई सो हुई। फिर ये जो हमारे यहां हो रहा है इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से आती हैं, अभी भी आई और उसके पहले इंटरनेशनल पीएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था वगैरह वगैरह। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया बन गई है इसका, इसमें भी इन मुद्दों को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उनसे हमारा जो लक्ष्य है, फिर वैसे तो मीडिया की मैं भूरी भूरी निंदा करता रहा और वो उनका आचरण बहुत निंदनीय अक्सर है, पर अब धीरे धीरे लग रहा है कि उनमें फिर से साहस वापस आ रहा है और चापलूसी थोड़ी घट रही है। अब कितनी देर चलेगी क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल अब जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह को लेकर बहस है, इतनी बड़ी बहस छिड़ गई है, वो एक तरह से अच्छी बहस है, क्योंकि जिनको राष्ट्रद्रोह के अपराध में जेल में होना चाहिए वो तो बाहर है, और उनको अंदर किया जा रहा है जिनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का कोई प्रमाण नहीं है। और अंततः ये बहस इस बात पर है कि किस तरह का भारत हम बनाने जा रहे हैं, क्या वो भारत होगा जिसमें दूसरे विचारों की, दूसरे दृष्टियों की, दूसरे धर्मों की, इस सब की कोई जगह नहीं होगी। अगर वो ऐसा भारत है तो उससे देशद्रोह करना जरूरी होगा, क्योंकि वो असली भारत नहीं हो सकता। हम सबको देशद्रोह के आरोप में, आपको याद हो गांधी जी ने जब उनको एक मुकदमे में दंड मिला था तो उसका जो वक्तव्य है वो संसार के महान वक्तव्यों में माना जाता है, आपको कभी मौका मिले तो उसको पढ़िए। उसमें गांधी जी ने जज से कहा कि तुम्हारा जो कानून है उसके हिसाब से तुम मुझे दंड दिए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपराध स्वीकार किया है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ये किया है, ये कहा है, और ये इसलिए कि मैं ये मानता हूं कि तुम्हारा शासन गलत है, तुम्हारी नैतिकता गलत है इत्यादि इत्यादि, लेकिन मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने कानून का पालन करो और मुझे दंड दो। उस जज ने गांधी जी को जेल की सजा दी, लेकिन वो सजा लिखते हुए
के बाद उसने अपने पेन को मेज पर ठूंस दिया। तो मित्रों, ऐसे वक्त आएंगे जब आपको अपने से कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आप अदालतों को भी शर्मसार होना पड़े। वो तो अच्छा हुआ है ससुरे पुलिस कमिश्नर का उसका रुक गया, क्या हो रहा था वो, जो भी बड़ा पद पा रहा था, इतनी बेशर्म यानी पूरे भारतीय पुलिस पर इतना बड़ा दाग एक अकेले आदमी ने मूर्खतापूर्ण किस तरह के वक्तव्य देकर लगा दिया। लेकिन ऐसे लोग होते रहेंगे और हो सकता है कि आपसे इनकी फिर, मुझे लगता है, और इससे मैं अब समाप्त करने जा रहा हूं, कि एक नई सत्याग्रही और सिविल नाफरमानी की राजनीति का मुकाम आ गया है। हमको अपने समय में सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी का पुनराविष्कार करना चाहिए। वो कैसे हो? स्वतंत्रता, समता और न्याय के मूल्यों के लिए एक नागरिक अभियान चलना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि आपने संविधान की का जो मूल वो है वो वहां लगा रखा है। ये सत्ता कामी अभियान नहीं होगा। गांधी जी सत्ता को बदलना तो चाहते थे लेकिन स्वयं सत्ता में नहीं आना चाहते, इसलिए वो कभी सत्ता में नहीं रहे। आज हर चीज को, ये कहने की बहुत वो है, फैशन है, और खासकर मीडिया की, मीडिया को मैं छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मीडिया की निंदा करने वही वाले लोग नहीं रहे, सब लोग उनकी ठकुर सुहाती करते रहते हैं कि अरे मीडिया मीडिया, धन्यवाद देते हैं मीडिया को। मैंने आज तक धन्यवाद नहीं दिया, तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना और तुम न करो तो भाड़ में जाओ, हम क्या करें। लेकिन एक जो उसकी असली बात है वो ये है कि अगर इस तरह के तत्व ये कहें कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो किसी, अरुण जेटली ने कहा था कि मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिक्स है, तो सौभाग्य से जिस दिन कहा और हम लोगों ने प्रतिरोध नाम से एक आयोजन किया दिल्ली में मावलंकर हॉल में, उसी दिन राष्ट्रपति ने भी कहा कि असहिष्णुता बढ़ रही है, उसी दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कहा, और उसी दिन उद्योगपतियों के मतलब दैनंदिन पूजित नारायण मूर्ति ने भी कहा। तो सबकी राजनीति मैन्युफैक्चर्ड है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप कभी राजीव गांधी से मिले, राहुल गांधी से? मैंने कहा ना तो मिला हूं, ना उसकी कोई जरूरत है, ना मुझे उनसे कोई लेना देना है। फिर पूछा कि आपकी उनके बारे में राय क्या है? मैंने कहा वो अपरिपक्व है। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी के राय में क्या है? मैंने कहा पाखंडी है। ये मीडिया मानने को तैयार नहीं है कि लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी स्वतंत्र और स्वायत्त ढंग से भी कुछ आचरण कर सकते हैं। हमको किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, हमारी राजनीति सत्ता कामी राजनीति नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्रता, समता और न्याय के पक्ष में एक लोक नीति, राजनीति के बरक्स प्रस्तावित करना चाहते हैं। धन्यवाद।